हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इंजीनियरिंग मेथड्स में। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे वर्ड मीनिंग विद प्रोनाउंसिएशन एंड हिंदी मीनिंग के साथ। एब्सेंस अनुपस्थिति अभाव। टुडे 10 स्टूडेंट्स आर एब्सेंस इन द क्लास। एब्स्ट्रैक्ट सारांश या फिर सार। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है दोस्तों एक पूरी बुक का एक पेज के अंदर ही सारे चीज़ें लिखी होती है कि इसमें क्या क्या कंटेंट कवर होंगे। एक्यूरेसी शुद्धता। द एक्यूरेसी इज 100% ऑफ दिस थिंग। इस चीज की एक्यूरेसी 100% है। अचीव हासिल करना प्राप्त करना। आई अचीव माई टारगेट्स। मैं अपने लक्ष्य को हासिल करती हूँ। जब हम किसी चीज़ को हासिल कर लेते हैं तब हम अचीव का यूज़ करते हैं। एक्चुअल वास्तविक। दिस इज एक्चुअल स्नोफॉल। यह वास्तविक बर्फबारी है। एड्रेस संबोधित करना, पता लिखना या फिर पता। दिस पर्सन इज एड्रेसिंग टू एवरीवन। यह आदमी बहुत सारे लोगों को संबोधित कर रहा है या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं प्लीज़ राइट डाउन योर एड्रेस। अफेक्शन स्नेह अनुराग। ही टॉट ऑफ हिम विद अफेक्शन। उसने उसके बारे में स्नेह से सोचा, प्यार से सोचा। अगेंस्ट विरुद्ध के खिलाफ। दिस इज अगेंस्ट एनवायरनमेंट। यह वातावरण के खिलाफ है। एजेंडा कार्यसूची या फिर एजेंडा। व्हाट इज योर टुडे एजेंडा। आज की आपकी कार्यसूची क्या है। एलिगेशन आरोप दोषारोप। जब किसी के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं तो इस तरीके से हम एलिगेशन वर्ड का यूज करते हैं। डू यू हैव नॉलेज अबाउट दिस एलिगेशंस। क्या आपके पास इन एलिगेशन की जानकारी है। एम्बिशन मकसद उद्देश्य। व्हाट इज योर एम्बिशन। आपका क्या उद्देश्य है, आपका क्या मकसद है। एंगर गुस्सा क्रोध। ही इज एंगर ऑन हर। वह उस पर गुस्सा है। एंथम गान भजन या फिर राष्ट्रीय गीत। अगर हमें ये कहना हो कि ये हमारा राष्ट्रीय गीत है तो हम कह सकते हैं दिस इज आवर नेशनल एंथम। अपोलोजाइज माफ़ी मांगना या फिर खेद प्रकट करना। एवरी डे ही अपोलोजाइज। हर रोज़ वो माफ़ी मांगता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।